जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही आपको हीरा बनाएगी। हेलो एवरीवन, आई एम उपासना तनेजा और आज हम पढ़ने वाले हैं के फोर ग्रुप। क्लेन्स फोर ग्रुप, ये क्या ग्रुप होता है के फोर ग्रुप? कौन कौन से ग्रुप है जो के फोर ग्रुप होते हैं? क्या होता है एक्चुअल में और कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये ग्रुप है? इसके सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है? क्या ये ग्रुप अबेलियन होता है? क्या ये ग्रुप साइक्लिक होता है? इसके सब ग्रुप कौन कौन से होते हैं, किस किस ऑर्डर के होते हैं, उन उन सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, ये सब कुछ आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स भी डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और इनको करते करते बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी हम पढ़ेंगे जो आपको एमसीक्यूज में हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपको के फोर ग्रुप डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज क्लास को एंड तक देखो और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। सो आज हम स्टार्ट करते हैं के फोर ग्रुप। सो देखो क्या होता है के फोर ग्रुप। कोई भी ऐसा ग्रुप ले लो, आपको पता है कि ग्रुप क्या होता है ना, एक कोई भी ऐसा सेट जो किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हो, किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को, किस किस को, क्लोजर को, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा हो तो वो ग्रुप होता है। ठीक है, तो ना हम एक ऐसा ग्रुप उठाएंगे जिसमें चार एलिमेंट्स हैं। एक देखो, चार एलिमेंट्स हैं, उनमें से एक तो आइडेंटिटी होगी। ओके, ई ए बी सी, तो इस ऑर्डर ऑफ के फोर इज फोर, क्योंकि के क्या है, फोर ऑर्डर का ग्रुप है। तो इसका कोई पर्टिकुलर ऐसे ऑपरेशन नहीं है, आप कोई भी ग्रुप उठा लो, उस ग्रुप का कोई भी ऑपरेशन हो, अगर वो ग्रुप ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी, कि एक तो वो फोर ऑर्डर का है, ठीक है, दूसरा उसका हर एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल है, एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इन्वर्टिबल, और क्या प्रॉपर्टी होती है, ए बी जो होता है वो सी के इक्वल है, ए बी बी ए इक्वल टू सी, इन द सेंस कि ए स्टार भी, जब आप ए और बी को ऑपरेट करो तो सी मिले, या फिर बी और ए को ऑपरेट करो तो क्या मिले, सी मिले। ओके, सी ए इक्वल टू बी, ओके, और बी सी इज इक्वल टू ए, अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा हो कोई भी ग्रुप कि उसका हर एलिमेंट है सेल्फ इन्वर्टिबल। सेल्फ इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, आपको ये पता है कि ग्रुप के हर एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं ए उठाऊं, ए का इनवर्स ग्रुप में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। सेल्फ इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि ए का इनवर्स खुद ए ही है। अगर ए का इनवर्स क्या है, ए है, बी का इनवर्स क्या है, बी है, सी का इनवर्स क्या है, सी ही है। ओके, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी ही है। ओके, सो ए का इनवर्स, ए उसके हर एलिमेंट का इनवर्स, उसका हर एलिमेंट क्या हो, सेल्फ इन्वर्टिबल हो। ठीक है, अच्छा, अगर ए का इनवर्स ए है तो अगर आप क्या कर दो, दोनों साइड पे ए से ऑपरेट कर दो, राइट, ए इनवर्स को ए से ऑपरेट करेंगे, क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा, ये क्या आ गया, ए स्क्वायर। ठीक है, सो इसका मतलब दैट इज कि हमने ए को दो बार ऑपरेट किया। ठीक है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या हुआ, टू हुआ। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नोट कर लो कि अगर कोई भी एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल होता है तो उसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है, टू होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप बहुत बार एमसीक्यूज में यूज करते हो कि अगर कोई भी एलिमेंट क्या है, सेल्फ इन्वर्टिबल है तो उसका ऑर्डर टू होता है, या फिर अगर किसी का ऑर्डर टू है तो वो सेल्फ इन्वर्टिबल होता है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी, इसका मतलब अगर मैं आप पूछूं आपसे कि बताओ के फोर ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, इसका टू, इसका टू, इसका टू, इसका वन, समझ आ गया ना हमें, और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमेशा वैसे भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। तो हमें ये पता चल गई के फोर ग्रुप के बारे में कुछ कुछ बातें। ठीक है, के फोर ग्रुप क्या होता है, उसका हर एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल होता है,
उसका ऑर्डर 4 होता है, उसके इन तीनों एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है, ई का ऑर्डर क्या होता है? आइडेंटिटी का ऑर्डर ऑलवेज 1 होता है। ओके, सो अब देखो कि K4 को आप ग्रुप कैसे प्रूफ करते हो। अभी हम आपको एग्जांपल भी हम देखेंगे। अभी ये देखो कि अगर आपके पास K4 आ जाए, मैंने आपको बताया था ना कि किसी को भी अगर हमें क्या करना हो, ग्रुप प्रूफ करना हो, तो कैसे करते हैं? टेबल बना लेते हैं, ई ए बी सी। पहले टेबल बना लो, ई ए बी सी, ई ए बी सी। ई को ई से करो, क्या आएगा? ई ए बी सी, है ना? क्योंकि ए को ई से करो तो हमेशा ए ही आएगा। आइडेंटिटी से ए डॉट ए इज ई, बी डॉट बी इज ई, सी डॉट सी इज ई, राइट? और ए डॉट बी सी, ए डॉट सी बी, बी डॉट ए सी, बी डॉट सी ए, राइट? सी डॉट ए बी, सी डॉट बी क्या हो जाएगा? ए। टेबल बन गई। टेबल में देखो क्या बाहर का एलिमेंट है? नहीं है, है ना? क्लोजर, एसोसिएटिविटी। हर रो में क्या है? आइडेंटिटी है ना? और इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और हर और क्या है? आइडेंटिटी भी है। तो ये क्या है? एक ग्रुप है, क्योंकि ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो ये क्या बन रहा है? डायगनल। डायगनल के दोनों साइड पे क्या है? मिरर इमेज है। मिरर इमेज है ना, ए ए बी बी सी सी, है ना? बी बी और ये ए ए। तो अगर ऐसा होता है तो ग्रुप क्या होता है? अबेलियन होता है। सो K4 इज एन अबेलियन ग्रुप। K4 इज एन अबेलियन ग्रुप। इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर पता चल गया हमें, सब कुछ पता चल गया इसके बारे में। अब बताओ क्या ये किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है? नहीं हो रहा। ये कभी, ये एक एलिमेंट से जनरेट नहीं हो सकता। इसके अलग अलग एलिमेंट्स हैं, सारे ही सेल्फ इन्वर्टिबल हैं। तो ये अगर एक एलिमेंट से जनरेट नहीं हो सकता, इसका मतलब ये क्या हुआ? नॉन साइक्लिक ग्रुप। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं लिखूंगी कि ये ग्रुप क्या होता है? नॉन साइक्लिक होता है, बट प्रोडक्ट होता है 2 साइक्लिक ग्रुप्स का, वो भी हम अभी देखेंगे। पहले ये देख लो, हो गया ये। इसके बाद अब हम सब ग्रुप्स देखते हैं, लास्ट में हम प्रॉपर्टीज पे आएंगे, ठीक है? तो अब हम पहले इसके सब ग्रुप्स बनाएंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल से देखेंगे K4 ग्रुप के, ठीक है? और फिर हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ आ रहा हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कैसा लगा। लाइक बटन प्रेस करना और प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। ओके, सो देखो K4 ग्रुप है ई ए बी सी, ठीक है? कभी भी आपको किसी भी ग्रुप के सब ग्रुप देखने हो तो कैसे देखते हो? आप सबसे पहले लैग्रेंज थ्योरम को याद करते हो, ठीक है? लैग्रेंज थ्योरम बताओ क्या होती है? अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि सब ग्रुप बनाना कितना आसान है। हम हर वीडियो में लैग्रेंज थ्योरम से ही स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही स्टार्ट करते हैं और सब ग्रुप बनाते हैं, ठीक है? बताओ लैग्रेंज थ्योरम क्या होती है? वो ये कहती है कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जो डिवाइड कर रहा है उस ऑर्डर का होगा ही होगा, नहीं। वो साइक्लिक ग्रुप के केस में ट्रू है ना? पर ये तो साइक्लिक नहीं है। K4 इज स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप, ठीक है? ये तो साइक्लिक नहीं है। ओके, तो इसका सब ग्रुप का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप कैन बी, ओके, कैन बी, हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 4 है। 4 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है। वो तो नहीं करता ना, 4 को 3 तो नहीं करता, तो 3 ऑर्डर का तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? इसके सब ग्रुप है, तो इससे छोटा ही होगा। क्या होता है सब ग्रुप? सब ग्रुप एक सबसेट होता है, उसी का, इसी सेट का सबसेट होगा जो ग्रुप भी बनाता हो। अगर वो ग्रुप बनाता हो, इसका मतलब उसमें आइडेंटिटी तो होगी ही होगी, राइट? तो देखो सबसे पहले मैं बताओ एक H1 लेती हूँ जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 ऑर्डर का है ना? आइडेंटिटी से एक सब ग्रुप बन जाएगा। ओके, एक मैं ले लेती हूँ जिसमें पूरा सब कुछ है, खुद K4 अपना सब ग्रुप होता है, ये दोनों है ना, एक ये और एक ये तो होते हैं सब ग्रुप्स ऑलवेज। ओके, H2 का, H2 हो गया, K4 खुद जो अपना सब ग्रुप है ऑर्डर 4 का। अब ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब ऑर्डर 2 के बनाते हैं, ठीक है? ओके, ऑर्डर 2 का सब ग्रुप क्या होगा? बन सकता है ई, ई के साथ ई तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप बनाना है, ग्रुप बनाना है तो आइडेंटिटी तो होनी ही चाहिए, राइट? तो
साथ में एक एलिमेंट ले लेती हूँ ए। क्या ये सब ग्रुप बन रहा है? सब ग्रुप क्या होता है? आइडेंटिटी है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, एलिमेंट्स तो दो ही है, तो इसके बाद बताओ एसोसिएटिविटी देखेंगे नहीं। ओके, अब इसमें क्योंकि दो ही एलिमेंट्स हैं, अब बताओ क्या इनवर्स से सेटिस्फाई हो रहा है? यस, क्योंकि हर एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल है, ए का इनवर्स तो ए ही है, तो इसका मतलब ये ग्रुप है, ठीक है। ऐसे ही ई के साथ बी, ऐसे ही ई के साथ सी, क्योंकि ई तो लेना ही पड़ेगा, ऐसे ही कि आप ए और बी ले लो, क्योंकि आइडेंटिटी तो होनी ही चाहिए, तो ई ए ई बी ई सी, तीन ये बन गए। इसके अलावा क्या कोई और सब ग्रुप बन सकता है? ऑर्डर टू के तीन बन गए, ऑर्डर फोर का एक, ऑर्डर वन का एक, तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स? कितने होते हैं इसके? इज इक्वल टू 5, है ना। और हर सब ग्रुप का ऑर्डर भी आपको पता चल गया। अब ग्रुप क्या है? अबेलियन है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर कोई ग्रुप अबेलियन होता है तो उसके सारे सब ग्रुप क्या होते हैं? नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सब ग्रुप्स ऑफ के फोर ग्रुप, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ के फोर ग्रुप का, ओके। सो देखो 1, 3, 5, 7 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8। क्या होता है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो ऑपरेशन? कि अगर आप a मल्टीप्लीकेशन m मॉड्यूलो b, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो m मल्टीप्लाई b, ये इक्वल टू r होता है। इसका मतलब क्या होता है? आप a और b को मल्टीप्लाई करोगे, m से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर को क्या बोलते हैं? r। डिवाइड करने के बाद जो आपको रिमाइंडर मिलेगा ना, वो r होता है, ठीक है। कैसे? जैसे कि 3 मल्टी, ये देखो करके दिखाते हैं, टेबल बना लेते हैं, ओके। 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, राइट। 1 को 1 से ऑपरेट करो, 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 8, रिमाइंडर 1 ही बचेगा। 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 8, रिमाइंडर 3 बचेगा। ऐसे ही 1, 3, 5, 7 आ गए, राइट। ओके, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 को किससे डिवाइड करेंगे? 8 से, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। 3 मल्टीप्लाई 5 15, 15 को 8 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 7। 3 मल्टीप्लाई 7 21, 21 को करो 8 से डिवाइड, देखो क्या बचेगा? 5, है ना। 8 टू 16, रिमाइंडर क्या बचा? 5। सो यू नीड टू टेक द रिमाइंडर, ओके। सो ऐसे ही 5 3 50, ओके, 5 5 25, 5 7 35, राइट। रिमाइंडर लिख रही हूँ मैं यहाँ, 35 आया, 8 से डिवाइड करोगे, 8 4 32, 3 बचेगा। 7 3 21, 5 35, 3 7 7 49, 1। सो ये बन गई आपकी टेबल, ओके। अब बताओ ये क्लेन फोर ग्रुप कैसे है? फोर ऑर्डर का ग्रुप अगर हो जो हर एलिमेंट जिसमें सेल्फ इन्वर्टिबल हो, थ्री का इनवर्स कौन है? थ्री को थ्री से ऑपरेट करके क्या मिल गई? आइडेंटिटी। तो मैं थ्री को किससे ऑपरेट कर रही हूँ कि मुझे आइडेंटिटी मिल रही है? थ्री से। सो इनवर्स ऑफ थ्री कौन हुआ? थ्री। फाइव का इनवर्स कौन है? फाइव। सेवन का इनवर्स कौन है? सेवन। सेवन को सेवन से ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी मिली। तो ऐसे इनवर्स चेक करते हैं ना। तो अगर हर एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल है और चार ऑर्डर का ग्रुप है, तो वो कौन सा ग्रुप होता है? क्लेन्स फोर ग्रुप होता है, के फोर ग्रुप। सो ऐसे बहुत सारे ग्रुप आप ढूंढ सकते हो ग्रुप थ्योरी में जो फोर ऑर्डर के हो और क्या होते हो, क्या होते हो, जिसका हर एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल हो, वो क्लेन्स फोर ग्रुप होता है, ठीक है। चार ऑर्डर के कोई भी ग्रुप जो हो, ओके, वो होंगे ऐसे वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो, वो क्लेन फोर ग्रुप होंगे, के फोर ग्रुप होंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल हो गए, सब ग्रुप्स हो गए, ग्रुप प्रूफ कर दिया। अब ये देखते हैं इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, ये जरूर नोट करना क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक बार ये प्रॉपर्टीज नोट कर लो अपने पास, ताकि आपके पास एक नोट रहे कि के फोर ग्रुप किसी भी एलिमेंट से जनरेट नहीं होता, है ना। क्या होता है ये? नॉन साइक्लिक होता है, स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है ये, ध्यान रखना, ठीक है।
उसके बाद ये एक अभिजन ग्रुप होता है, इसका हर एलिमेंट क्या होता है, सेल्फ इन्वर्टिबल होता है, और सारे एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, टू होता है। ठीक है, इसका क्या है, प्रोडक्ट होता है, ये खुद तो नॉन साइक्लिक होता है, पर ये दो साइक्लिक ग्रुप्स का कौन सा साइक्लिक होता है, आपको पता है ना, जेड एन साइक्लिक ग्रुप है, ये दो साइक्लिक ग्रुप का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, जेड टू क्रॉस जेड टू। जेड टू क्रॉस जेड टू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जेड टू क्रॉस जेड टू हो गया 0001, तो ये जो होता है ना, ये भी एक के फोर ग्रुप होता है, जेड टू क्रॉस जेड टू। ओके, तो इसके बाद इसके पास कितने सब ग्रुप होते हैं, टोटल सब ग्रुप्स होते हैं 5। इसके पास कितने सब ग्रुप होते हैं, 5। तो अपने हिसाब से जो भी आप इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको पता चली नोट कर लो, है ना, और एमसीक्यू में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप चीजों को रिलेट करते हो। ठीक है, सो अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अगर कर सकते हो सोशल मीडिया पे कहीं पे भी। इंस्टाग्राम पे डॉक्टर यू तनेजा मेरा अकाउंट है, उस पे मैं शॉर्ट ट्रिक्स डालती हूँ, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फेसबुक पे भी एक ग्रुप है मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और जितना हो सके शेयर कर दो। मेरे चैनल पे आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा डिटेल में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमने पूरी पढ़ी है, ठीक है, रियल एनालिसिस पूरी पढ़ी है, तो बहुत चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज़ विजिट माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, कमेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।